Shaveta Devi, जो आजकल की औरत और लड़कियों के लिए एक जीती जागती इंस्पिरेशनल की एग्जांपल है, जो कि पिछले 9 साल से अपना एक खुद का बिजनेस बुटीक चला रही है, जिसने 9 साल पहले अपने घर से एक सिलाई मशीन पे काम शुरू किया। आज उसका एक शोरूम है यहाँ पे रामबन में और काफ़ी सारी लड़कियाँ उनसे सीखे जाती हैं। मैंने स्टार्ट किया था 2009 में, ये छोटा सा घर में ही शुरू किया था पहले तो मैंने ये टेलरिंग का काम। मैंने सोचा खाली बैठे बैठे बैठने से क्या फ़ायदा है, तो थोड़ा चलो काम ही शुरू करते हैं। तो मैंने काम किया था घर में स्टार्ट। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने नेत्रा में छोटी सी शॉप खोली टेलरिंग की। तो जब मैंने शॉप खोली टेलर की तो फिर मेरे को और लगा कि मैं अब थोड़ी सी मैं बड़ी शॉप खोलूँ, तो जिसमें मेरे को लड़कियाँ हों काम करने के लिए और मतलब अच्छा हो। लड़कियों ने मैंने सिखाया भी है, आज मैंने शॉप भी खोल ली है। तो अब मैं चाह रही थी और बड़ा काम करूं। तो फिर मैंने कहीं से सुना कि भी चलो लोन शोन मिल जाता है तो काम शाम बंदा अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकता है। तो मैंने EDI का नाम सुना, फिर मैंने वहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया। फिर उन्होंने बोला कि आपको 20-22 दिन के लिए ट्रेनिंग से आना पड़ेगा, हमें बिजनेस के बारे में ट्रेनिंग मिली पूरा 20 दिन। फिर उसके बाद हमारा सेक्शन हो गया। फिर मैंने रामबन में शॉप ली, तो शॉप खोली मैंने। आज मुझे साल डेढ़ साल मतलब होने वाला 1.5 साल मुझे शॉप खोले हुए। तो अच्छा है, मुझे बहुत करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा स्ट्रगल बहुत करना पड़ा, लेकिन ये है कि बिजनेस अब अच्छा है। मेरे हस्बैंड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये पहले मैंने ITI का कोर्स किया था इसका, कटिंग टेलरिंग का। फिर आपको पता है जब घर में बैठ जाओ ना तो काम सब भूल जाता है, तो मैं एक तरह से भूल ही गई थी। फिर हस्बैंड ने दोबारा से उन्होंने बताया मुझे कटिंग का स्टिचिंग का, तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है। 4-5 लड़कियां सीख चुकी हैं, तो जिसमें से 2 लड़कियों ने तो अपनी शॉप भी खोली है, 2 नहीं 3, एक राजगढ़ में है, गंगे में है एक, और एक और है चंद्रोक में। बिजनेस कुछ भी हो, काम कुछ भी हो, इंसान को छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है काम। मेहनत करने में कोई इंसान को शर्म नहीं होनी चाहिए। मेहनत करता है इंसान धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। मैं तो यही बोलूँगी, जो औरतें ये सोचती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं या हमें सिर्फ जॉब भी कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए बोलूँगी कि बिजनेस भी एक अच्छा है, अगर कुछ भी इंसान सोच के चल सकता है वो करने को बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें भी लड़कियों को आगे सपोर्ट करना चाहिए और उनको आगे आने में हेल्प करनी चाहिए। रामबन से कश्मीर अनहट के लिए मैं ताहिर मुश्ताक।